नाम क्या है? मूंग की दाल का चीला। आपका क्या नाम है? पूरन सिंह। जरा मुझे बता सकते हैं इसमें क्या क्या है? इसमें दाल है। क्या बताया आपने? ये दाल है, मूंग दाल। मूंग की दाल है जिसका छिलका निकला हुआ है, बिना छिलके वाली, जिसको आपने रात को भिगो के सुबह पीस लिया है ना। इसमें कुछ और नहीं मिला है ना मसाला? अच्छा, तो आप क्या करते हो उसके बाद में? इसको इसके ऊपर ऐसे ट्रे पे डाल लेते हो। एक बार आप बनाओगे तो हम देखेंगे। तो मूंग दाल का पेस्ट है। हाँ, नहीं हमारे नहीं बनता। आपने इसमें क्या डाल दिया? प्याज डाल दिया, कटा हुआ प्याज, हरी मिर्ची डाल दिया, हरी मिर्ची डाल दिया। ये क्या है? पनीर डाल दिया, अदरक, कसा हुआ अदरक, पनीर। अच्छा, इसके बाद और दाल लगाया आपने। इसको दोबारा क्यों? ताकि वो चिपका रहे उसमें। अच्छा, नमक आपके आटे में था कि आप अलग से डाल रहे हो? नमक उसी में मिला। ऑलरेडी दाल में के अंदर नमक था। अच्छा, फिर वेट करेंगे पकने का। इसमें आप कोई ऑयल वगैरह कुछ नहीं लगा रहे? अच्छा, ऑयल काफी सारे डाल दिया आपने। और थोड़ा दिया बटर में भी बना सकते हैं ना इसको। तो ये काफी कुछ पक गया है। इसको आप किसके साथ सर्व करोगे अभी? ये खट्टे मीठे चटनी के साथ दिया गया। मैं देखा था वो ग्रीन चटनी थी उसमें। हाँ। क्या क्या है उस चटनी में? धनिया की चटनी है और गुड़ की सौंठ है। अच्छा, नहीं चटनी के अंदर क्या क्या है ग्रीन चटनी में? चटनी में धनिया है, पालक है, हरी मिर्च है। धनिया, पालक, हरी मिर्च और काली मिर्च है, जीरा है, काली मिर्च, जीरा, अदरक है। अच्छा, मिक्सर है और एक सौंठ है जो है कि लोकल सौंठ होती है, वो खटाई की बनती है सौंठ। अच्छा, तो ये चीला हो गया तैयार। अरे वाह हरी, आपने इसके ऊपर प्याज भी डाल दी कटी हुई। ये क्या डाला ऊपर से? ऊपर से मसाला दिया, गरम गरम मसाला। और इसके साथ देंगे अभी ये हरी चटनी जो आपने बताया था कि धनिया और पालक वाली है, और साथ में ये लोकल सौंठ है। ये एक तरह का केचप है पर ये सॉस नहीं है ना। चलिए ठीक है।